हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर अक्षय गुप्ता। मैं एज अ कंसल्टेंट फिजिशियन और डायबिटोलॉजिस्ट एसोसिएटेड हूँ इंडस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के साथ में। तो जैसे कि इस सीज़न में हम लोग देखते हैं, हर बार रेनी सीजन के बाद, बारिशों के वेदर के बाद, काफ़ी लोग डेंगू से इन्फेक्टेड हो जाते हैं, डेंगू फीवर की चपेट में आते हैं। तो आज कुछ हम लोग डेंगू के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं, डेंगू एक बेसिकली मॉस्किटो बॉर्न इन्फेक्शन है, जो एडीज एजिप्टियाई जो मॉस्किटो रहता है उसकी बाइट से ही होता है। तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड जो हम लोग कहते हैं, 4 to 7 days की मॉस्किटो बाइट के बाद पेशेंट जो है सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट कर सकता है। और मोस्ट कॉमनली जो सिम्टम्स रहते हैं डेंगू फीवर के, वो होते हैं हाई ग्रेड फीवर, जॉइंट पेन्स हैं, जोड़ों में दर्द है, हाथों पैरों में दर्द है, स्वरन ग्लैंड्स हैं, आँखों के पीछे भारीपना रहता है, या एक टिपिकल सा रैश रहता है जो कभी रैश की जो फ्रिक्वेंसी है बढ़ जाती है, या रैश की इंटेंसिटी सप्रेस हो जाती है। तो डेंगू के लिए लोगों को यही ध्यान रखने की ज़रूरत है, अपने आसपास के घरों में पानी को कहीं पर जमा ना होने दें, प्रॉपर जो है पानी का सैनिटाइजेशन वगैरह का ध्यान रखें। अगर किसी को हाई ग्रेड फीवर है, जॉइंट पेन्स है, या रैश का सिम्टम आ रहा है, वो तुरंत अपने आसपास क्लिनिशियन को कंसल्ट करें और डेंगू के जो भी आगे जो डिज़ायर्ड टेस्ट हैं टेस्ट करवाएं। डेंगू के लिए बेसिकली हम लोग डेंगू सीरोलॉजी जो रहती है, NS1 एंटीजन और RT-PCR जो रहता है, साथ में जो सीरोलॉजी का IgG और IgM है, वो इसके डायग्नोस्टिक टूल है। इसके साथ में जो CBC टेस्ट रहता है, कंप्लीट ब्लड काउंट, उसमें प्लेटलेट्स का जो है इसमें डेंगू में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। एडवर्स केसेस में जैसे कि जो डेंगू हेमरेजिक फीवर रहता है, उसमें पेशेंट्स के प्लेटलेट काउंट काफ़ी लो हो जाते हैं, और इस तरह के पेशेंट्स को अगर कहीं से ब्लीडिंग शुरू हो जाए, अगर मसूड़ों से, गम से ब्लीडिंग हो जाए, अगर उनको स्टूल के रास्ते ब्लीडिंग शुरू हो जाए, या रैश की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए, तो कई बार एक्सट्रीम केसेस में प्लेटलेट्स जो हम कहते हैं SDP, सिंगल डोनर प्लेटलेट, उसके भी ट्रांसफ्यूजन की जरूरत रहती है। सो टेक होम मैसेज यही है मेरा, अगर आपको डेंगू जैसे सिम्टम्स आते हैं तो आप अपने आसपास के क्लिनिशियन को, अपने फिजिशियन को कंसल्ट करें। डेंगू डायग्नोज होने पर बिल्कुल भी पैनिक ना करें। अगर आपके क्लिनिशियन आपको होम आइसोलेशन के लिए एडवाइस करते हैं, तो उनकी प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से आप अपने ट्रीटमेंट को फॉलो करें। सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी ना करें। जो डेंगू के मामले में मिथ है कि हर पेशेंट को प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है, ऐसा नहीं है। सिर्फ क्रॉनिक कॉम्प्लिकेटेड डेंगू फीवर में या डेंगू हेमरेजिक फीवर में ही जो हम कहते हैं प्लेटलेट्स की ट्रांसफ्यूजन की इंडिकेशन है। थैंक यू।